परिवहन विभाग व प्रशासन की उदासीनता के चलते हमीद सेतु से ओवरलोडिंग के बेलगाम संचालन से लोगों में आक्रोश है। शनिवार को ताड़ीघाट स्थित शहीद मेजर विकास सिंह पार्क में युवा समाज सेवी व भाजपा नेता योगी हर्ष सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीण सुबह 10 बजे से सांकेतिक धरने पर बैठ गए। राजकुमार सिंह ने कहा कि जिस तरह से ओवरलोड वाहनों का बेखौफ तरीके से संचालन हो रहा है, उससे पुल के लिए कभी भी खतरा बन सकता है। उन्होंने कहा कि गहमर व जमानिया पुलिस की मिली भगत से ओवरलोड वाहन पुल तक पहुंच रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। योगी हर्ष सिंह ने कहा कि परिवहन खनन विभाग का जो रवैया है, उससे नहीं लगता कि ओवरलोड वाहनों पर लगाम लग सकती है। उन्होंने हमीद सेतु पर इलेक्ट्रॉनिक धर्म काटा लगाए जाने की मांग भी की, जिससे ट्रकों की क्षमता का पता चल सके। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग पर रोक लगाने के लिए आला अधिकारियों को ठोस पहल करनी होगी। ओवरलोड वाहनों का संचालन पूरी तरह से बेलगाम होता जा रहा है, इस पर रोक नहीं लगती तो बड़ा आंदोलन होगा। मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक बिंद कुमार, पुलिस उपाधीक्षक जमानिया हितेंद्र कृष्ण, SDM जमानिया शैलेंद्र प्रताप सिंह ने होर्डिंग लिए लोगों को रोका और धरना समाप्त करने के लिए कहा। लोगों ने मांगे पूरी होने तक धरना प्रदर्शन समाप्त करने से इनकार कर दिया। करीब 2 घंटों की मंत्रणा के बाद 12 बजे अधिकारियों ने ओवरलोडिंग रोकने का आश्वासन दिया तो लोगों ने चेतावनी देकर धरना समाप्त कर दिया। इस अवसर पर विवेक सिंह, आशु सिंह, सिद्धांत सिंह, करण, धर्मेंद्र सिंह, बबुआ चौबे, हीरा सिंह, अनुराग सिंह, मुन्ना सिंह, सिद्धार्थ सिंह, आशुतोष सिंह, सोनू सिंह, शैलू तिवारी, पीयूष दुबे आदि मौजूद रहे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।